हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग फीड वाटर पंप के मैकेनिकल सील को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। और इसका कमेंट्स आया था, देवाशीष शर्मा जी का कमेंट्स आया था कि फीड वाटर पंप में किस तरह से मैकेनिकल सील को इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बताइए, तो उसी पर मैंने वीडियो बनाया है। और उन्होंने मेरे चैनल का मेम्बरशिप भी ज्वाइन किया है, इसके लिए देवाशीष शर्मा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेंबरशिप का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लाइव वीडियोस भी मिलेंगे। तो अगर आपने भी चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक बॉयलर का फीड वाटर पम्प है, ये मल्टी स्टेज पम्प आते हैं, इसमें बहुत सारे इम्पेलर लगे हुए रहते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है। ये इसका शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट है, इसी ड्राइव शाफ्ट में जो गैप देख रहे हैं आप लोग, इसी पोजीशन में मैकेनिकल सील फिट होता है। और ये जितना भी चैम्बर देख रहे हैं, जितने भी केसिंग है, हर एक केसिंग के अंदर इम्पेलर लगा हुआ है। ये 17 स्टेज का 7 फीड वाटर पम्प है, इसमें हर एक केसिंग के अंदर एक एक इम्पेलर फिट है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगा। और ये जो पोजिशन देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए शाफ्ट में एक एंड बना हुआ है, वहाँ से लेके और ऊपर तक कपलिंग का जगह को छोड़ के बाकी पोजीशन में मैकेनिकल सील इंस्टॉल होता है। तो हम लोग इसको जानेंगे किस तरह से मैकेनिकल सील को इंस्टॉल किया जाता है। ये जो पोजीशन देख रहे हैं, इसी के बीच में मैकेनिकल सील इंस्टॉल होता है। इस पर बहुत बार फेस टू फेस मैकेनिकल सील भी इंस्टॉल होता है जो कि डबल मैकेनिकल सील है, और सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील भी इंस्टॉल होता है। वो हर एक मॉडल का हिसाब से अलग अलग है। यहाँ ऊपर में एक कैप लगा हुआ रहता है, उसी कैप के ऊपर में जो स्टेशनरी पार्ट है वो इंस्टॉल रहता है, और रोटरी पार्ट को हम लोग को शाफ्ट में ये वाले पोजीशन में फिट करना पड़ता है, ठीक है। और कैप जो यहाँ पे कैप लगेगा, उस कैप में उसका स्टेशनरी पार्ट हम लोग का इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका एक मेजरमेंट आता है कि किस जगह पर हम लोग ग्रब स्क्रू को लॉक करें। यहाँ जो देख रहे हैं, इस पोजीशन से लेके नीचे तक का पोजीशन में हम लोग रोटरी पार्ट को, ये जो मार्किंग है यहाँ पे, आपको एक मार्किंग कर देना है कैप को लगा के। इसका कैप को लगाइए और मार्किंग कर लीजिए इस तरह से मार्कर से। इससे क्या होगा, आपको शाफ्ट का जो एंड है उस एंड से लेके मार्किंग तक का क्या डायमेंशन है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये सबसे पहले इस तरह का मार्किंग आपको शाफ्ट पे कर लेना है, नहीं करोगे तो आपको जो मैकेनिकल सील का जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता नहीं चलेगा कि किस पोजीशन में हम लोग को फिट करना है। तो यहाँ एंड से लेके वो जो शाफ्ट का एंड दिख रहा है आपको, वहाँ से लेके मार्किंग तक का कवर को लगा के, जो मैकेनिकल सील का एंड कवर है उसको फिट करके तभी आपको मार्किंग करना है, एंड कवर को डाल के इस जगह पे, ठीक है। और एंड कवर का भी एक मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग को लेना पड़ता है, जो कि मैं ड्राइंग में बताऊँगा किस मेजरमेंट को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले फुल लेंथ को आपको इस तरह से मेजर कर लेना है, उसके बाद हम लोग अभी ये जो लेंथ है इसको मेजर करने के बाद अभी मैं ड्राइंग में बताता हूँ कि आपको उसके बाद किस तरह से मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करना है, क्योंकि बिना ड्राइंग का आपको पोजीशन में नहीं बता पाऊँगा कि किस पोजीशन में इसका स्टेशनरी पार्ट फिट होगा, किस पोजीशन में उसका रोटरी पार्ट फिट होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अभी ड्राइंग में, और ड्राइंग में जाके समझते हैं कि किस तरह से इस पोजीशन में मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अभी ड्राइंग में। तो अब हम लोग समझते हैं ड्राइंग में कि किस तरह से मैकेनिकल सील को फीड वाटर पंप का फिट किया जाता है। मैंने बताया कहाँ किस जगह में फिट होता है, अब जान लेते हैं ड्राइंग में कि किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग मैकेनिकल सील को फिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं ड्राइंग का हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक शाफ्ट है जो फीड वाटर पंप पर नीचे रहता है, फीड वाटर पंप, उसके बाद जहाँ जो पोजीशन मैंने दिखाया शाफ्ट का, ये सोचिए वो शाफ्ट है, इसी पोजीशन में मैकेनिकल सील इंस्टॉल होता है। और ये एक सिंगल स्प्रिंग अनबैलेंस मैकेनिकल सील है, जो कि इसी तरह का मैकेनिकल सील ज़्यादा आपको फीड वाटर पंप में दिखेगा या डबल मैकेनिकल सील आपको दिखता है, उस पर आपको कोई मेजरमेंट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उसको इजीली आप शाफ्ट में डाल दो, ग्रब स्क्रू है लॉक कर दीजिए और कैप को टाइट कर दीजिए, और इधर से ये एक साइड से उसका स्टेशनरी पार्ट दोनों साइड से प्रेस करके रखता है, रोटरी पार्ट बीच में घूमते रहता है, उस पर कोई मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। बट इस टाइप का जब आता है मैकेनिकल सील, तब इस पर मेजरमेंट हम लोग को करके और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो आपका मैकेनिकल सील लीकेज हो जाएगा। तो अभी ड्राइंग से हम लोग समझते हैं।
इस तरह का एक शाफ्ट में स्टॉपर बने रहता है मैकेनिकल सील लगने के जस्ट बैक साइड में। तो इस स्टॉपर से लेके और जो एंड कवर रहता है जिस पे स्टेशनरी पार्ट फिट होता है, ये स्टेशनरी पार्ट है। मैकेनिकल सील कभी भी स्टेशनरी पार्ट और रोटरी पार्ट ये दोनों मिल के मैकेनिकल सील बनता है। और स्टेशनरी पार्ट जो है वो हर बार इसका जो एंड प्लेट रहता है, जो ढक्कन रहता है मैकेनिकल सील का, उस पर फिट हो जाता है स्टेशनरी पार्ट। और रोटरी पार्ट को हम लोग को ग्रप स्क्रू से टाइट करना पड़ता है मेजरमेंट करके। तो उसी मेजरमेंट को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या मेज़र करना है आपको, जो एंड है, जो आपको बेस मिलेगा शाफ्ट में, उस बेस से लेके एंड प्लेट का यहाँ तक पूरा एकदम एंड तक मेजर करना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 50 mm लिखा है, तो इस तरह से आपको पहले मेजर कर लेना है कैप लगा के। मैकेनिकल सील नहीं डालना है, जस्ट कैप को आपको बैठा देना है और मेजर कर लेना है। मेज़र कर लिए आपको कितना आया, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए 50 लिख दिया, आपको हो सकता है 100 आए, 150 आए। तो इस तरह से आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो मैकेनिकल सील का रोटरी पार्ट है, जो रोटरी पार्ट है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फेस तक, उसको मेज़र कर लेना है। मेरा आया 25 mm, आपका जो मेजरमेंट आएगा उसको मेज़र कर लीजिए। उसके बाद कैप में जो एंड प्लेट है उस पर स्टेशनरी पार्ट को पहले बैठा देना है। ये स्टेशनरी पार्ट है, इसको आप लोगों को पहले बैठा देना है। और स्टेशनरी पार्ट का फेस से लेके और बैक प्लेट का एंड तक, ठीक है, आउटर तक आपको मेज़र कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मैंने एरो मार्क लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा 15 mm आया। तो आपका जो मेजरमेंट रहेगा उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद ये दोनों को प्लस कर लीजिए। सबसे पहला काम 25 mm और 15 mm, कितना mm आया, 40 mm आ गया, 40 mm आ गया। 40 mm को क्या करना है आपको, फुल लेंथ जो आपने मेजर किया उसके साथ माइनस कर देना है। फुल लेंथ हम लोग का कितना था शाफ्ट का एंड कवर तक, 50 mm था। तो 50 से 40 हम लोग माइनस कर दिए, कितना बचा, 10 mm। ये जो 10 mm है ये गैप है, ये जो गैप देख रहे हैं ये गैप हम लोग को मिल गया कि किस पोजिशन में हम लोग को रोटरी पार्ट को लॉक करना है। बट यहाँ लॉक नहीं करना है अभी, और समझना है बात को, यहाँ लॉक नहीं करना है। ये एक हम लोग की 10 mm एक ठो एक्यूरेट जगह मिल गया कि 10 mm ऊपर हम लोग लॉक कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अब जो शाफ्ट में आपको लगाना है, उस शाफ्ट में आपको मार्किंग रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि इस जगह आपने मार्किंग किया है कैप को लगा के, तो इस जगह पे आपको शाफ्ट के ऊपर मार्कर से पहले मार्किंग मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस मार्किंग से ले कर यहाँ तक का जो 50 mm आ रहा है, उस 50 mm में क्या करना है आपको, 10 mm माइनस कर देना है। तो 40 यहाँ पे देखिए 10 mm माइनस हम लोग का क्या करना है, 10 mm माइनस कर देना है। तो हम लोग का कितना बचा, 40 यहाँ से लेके, सोचिए 10 mm मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 40 mm आया। तो हम लोग का जो रोटरी पार्ट है इस जगह में, इस पोजीशन में बैठेगा, इस पोजीशन में बैठेगा। बट यहाँ पे अभी लॉक नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे 10 mm मेजर करके जस्ट इसको यहाँ पे फंसा के रखना है, इसका रोटरी पार्ट को लॉक नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ से 15 mm, तो ऊपर से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm मेजर कर लेना है आपको, 15 mm मेजर कर लेना है शाफ्ट में, मार्किंग कर लेना है 15 mm। अब हम लोग का ये जो है ऊपर वाला एंड प्लेट का मेजरमेंट मिल गया, और ये हम लोग को, तो हम लोग को दोनों मेजरमेंट मिल गया। यहाँ पे इसका भी मिल गया कि 10 mm ऊपर रोटरी लॉक होगा, और यहाँ पे इसका मेजरमेंट आपको 15 mm लेके माइनस कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक रोटरी जो पार्ट है वो यहाँ पे आपने इस पोजीशन में बैठाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10 mm में हम लोगों ने इसको सेट किया था, आपको क्या करना है, 13 से लेके 15 mm तक इस गैप को करना है आपको। किस लिए वो भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए करना है क्योंकि जब आप 13 mm इसको ऊपर की ओर लेके जाओगे, 13 mm ऊपर की ओर लेके जाओगे, 13 mm मतलब 10 mm यहाँ पे है, 3 mm और ऐड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सोचिए 13 mm आ रहा, और आपने स्टेशनरी पार्ट को थोड़ा ऊपर लेके लॉक किया, तो इससे क्या होगा, ये जो पोजीशन देख रहे हैं आप रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच में जो ये गैप देख रहे हैं, इस गैप में फेस टू फेस 3 mm लोड में आएगा, 3 mm लोड में आएगा, जिसका वजह से यहाँ से जो लीकेज है वो लीकेज आपका बंद हो जाएगा। मेन यही सेटिंग है, ये फेस का सेटिंग आदमी नहीं कर पाते हैं फिटर,
तो मैंने जो बताया इसको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। पहले फुल लेंथ का मेजरमेंट ले लेना है। शाफ्ट के ऊपर इस तरह से एंड एक बना रहता है ग्रुप, उस ग्रुप से लेके एक एंड प्लेट का बाहर तक मेज़र कर लीजिए 50 mm। मैकेनिकल सील का जो रोटरी पार्ट है उसका डायमेंशन, और स्टेशनरी पार्ट को फिट करने के बाद स्टेशनरी पार्ट से एंड प्लेट तक का डायमेंशन, ये दोनों को मेजर कर दिया हम लोगों ने। 40 mm आया, फुल लेंथ 50 है तो 50 से 40 को माइनस कर दिया 10 mm, तो हम लोग को यहाँ का गेप पता चल गया 10 mm। बट हम लोग को यहाँ 10 mm में नहीं सेट करना है, 10 mm गेप से हम लोग को 3 से 5 mm, 5 mm से ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका दोनों का फेस और क्रैक कर जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम 5 mm तक का ही लोड दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लोड दिया जाता है। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, यहाँ से 10 था गैप तो आपको 13 में सेट करना है या 15 में, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm जहाँ पे आए उस जगह पे इसका स्टेशनरी पार्ट रोटरी पार्ट को लॉक कर देना है। इस जगह पे हम लोग को इसका रोटरी पार्ट को लॉक कर देना है, ठीक है, इसका रोटरी पार्ट को लॉक कर देना है। यहाँ पे इसका रोटरी पार्ट को इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये रोटरी पार्ट को हम लोगों ने लॉक कर दिया। अब यहाँ रोटरी पार्ट को लॉक करने के बाद ये मेजरमेंट हम लोग का कितना था, 15 mm। तो जब आपने ऊपर की ओर लिया तो फेस से वो मार्किंग तक का जितना का लोड दिया उतना आपको माइनस दिखना चाहिए। अगर उतना माइनस दिख रहा, सोचिए 15 mm था और हमने यहाँ पे 3 mm ऊपर किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये अभी हम लोग को 15 से कितना दिखेगा, 12 mm दिखेगा। आपको मेजरमेंट कर लेना है, वर्नियर से कर लीजिए, बहुत अच्छा मेजर होता है वर्नियर से। तो आपको अगर यहाँ से 3 mm ऊपर लिया तो 15 से 3 जाएगा 12, तो 12 mm यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। अगर आपको 12 mm यहाँ दिख रहा है और यहाँ से 10 mm मिला था आपको, यहाँ पे 13 mm दिख रहा है, तब आपका मैकेनिकल सील एकदम सही सेट हो गया है। इस मैकेनिकल सील से अब लीकेज नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको हर एक मैकेनिकल सील को फिट करना है। आपका मेजरमेंट अलग हो सकता है बट मेन पहले इस मेजरमेंट को निकाल लेना है फुल लेंथ का, जिस जगह मैकेनिकल सील इंस्टॉल होगा, और मैकेनिकल सील का रोटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट को प्लेट में फिट करने के बाद का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए और फुल लेंथ से माइनस कर लीजिए, तो आपको यहाँ कितना ऊपर में हमको रोटरी पार्ट को लॉक करना है वो आपको पता चल जाएगा। बट उतना में लॉक नहीं करना है, उससे 3 mm से 5 mm आप इसको सिंपल ऊपर की ओर कर लीजिए और लॉक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये प्लेट जब आप टाइट करोगे तो इस जगह पे इसमें 3 mm का लोड आएगा, इस स्प्रिंग को दबाएगा 3 mm का, जिससे आपका यहाँ से लीकेज नहीं होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस से आपको फिट करना है, और अगर डबल मैकेनिकल सील है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिंपल डाल दीजिए बीच में और दोनों कवर से वो प्रेस हो जाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जो फोटो में आप लोगों को दिख रहा है दोनों मैकेनिकल सील, इस टाइप का सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील जिस पे ग्रप स्क्रू दिए रहते हैं उस पर इस तरह का मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा और इसी तरह से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और देवाशीष शर्मा जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने चैनल का मेंबरशिप लिया है, और आप भी चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।